हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कल के लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर की बात करी थी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बेसिकली आपको कोई भी दो रेशनल नंबर गिवन होंगे उनके बीच में आपको क्या निकालने हैं, आपको उनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। सो लेट्स सपोज करो, इसके बिना बेसिकली मैं आपको दो मेथड बताऊंगी। सबसे पहला मेथड मैं बताती हूँ, बहुत इजी सा, जिसके अंदर आप क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, सिर्फ एक। जैसे रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था ना, एवरेज मेथड यूज करना, इसमें भी क्या है, इसमें भी बेसिकली क्या होगा, इसमें भी आप सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो लेट सपोज करो आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, आपको इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, एक ए बी आपको क्या गिवन है, दो रेशनल नंबर गिवन है, दो रेशनल नंबर, वो भी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, कि जो ये ए और बी है ना, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए। तो अगर आपको ए और बी के बीच में, अगर आपको ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट करके, दोनों का प्रोडक्ट करके क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, दोनों का प्रोडक्ट करके क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। ये आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा दो रेशनल नंबर के बीच में। सो ये है आपका मेथड, बहुत आसान मेथड है। अगर आपको एक इरेशनल नंबर निकालना हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया है कि ना आपको टू और थ्री के बीच में, ना आपको टू और थ्री के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है, एक इरेशनल नंबर। कैसे बताओगे, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। आपको पता है टू और थ्री क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो टू और थ्री के बीच में एक इरेशनल नंबर क्या होगा, टू इंटू थ्री, दैट मीन्स रूट सिक्स आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो किसके बीच में लाए करता है, टू और थ्री के बीच में लाए करता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आप मुझे बताओ कि ना सेवन और थ्री के बीच में ना मुझे एक इरेशनल नंबर बताओ, सेवन और थ्री के बीच में एक इरेशनल नंबर, तो आप क्या करोगे, आप दोनों का ले लोगे प्रोडक्ट, सेवन इंटू थ्री और उसमें क्या लगा दोगे, रूट। तो सेवन इंटू थ्री क्या होता है, रूट 21। तो ये क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है, किनके बीच में, सेवन और थ्री के बीच में, ठीक है। आपको इसमें भी ना एक चीज याद रखनी है, क्या नोट याद रखना है, आपको ये वाला मेथड आप तभी ही अप्लाई करोगे, ये मेथड आप तब अप्लाई करोगे जब जो इनका प्रोडक्ट होगा ना, ये बेसिकली इनका प्रोडक्ट ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आपको नोट में क्या याद रखना है, आपको नोट में ये याद रखना है, ए बी शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ए बी शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर ए बी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, तो वो आपका इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो आपका रैशनल बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो आप वो वाला मेथड, ये वाला फिर अप्लाई नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मुझे बताओ 8 और 2 के बीच में ना एक मुझे इरेशनल नंबर बताओ, 8 और 2 के बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर बताओ, मैं ये वाला मेथड यूज कर रही हूँ। तो क्या होगा, इसके अंदर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे 8 इंटू टू और हम रूट लगा देंगे, तो 8 टू क्या होता है 16, और आपको पता है रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। अब आप बताओ 4 क्या एक इरेशनल नंबर है, हमें तो दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना था, लेकिन ये क्या आ गया, ये तो एक रैशनल नंबर आ गया, ये इरेशनल नंबर थोड़ी आया, तो हम ये वाला मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे। आप ये मेथड तभी ही यूज करेंगे जब इनका प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आपको ये वाला मेथड समझ आ गया कि आप ये कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। अब हम मेथड नंबर टू देखते हैं कि वो बेसिकली हम कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है। आप, मैं तो कहूंगी आप हर जगह वही मेथड को यूज किया करो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है नहीं करना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो लेट्स सपोज करो आपको सेम ना, आपको टू और थ्री है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इनके बीच में ना आपको दो इरेशनल नंबर निकालने हैं, इनके बीच में आपको दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, मेथड वन तो यूज नहीं कर सकते, वहां तो सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर आ सकता है, कैसे करोगे। देखो टू और थ्री के बीच में कितने इरेशनल नंबर निकालने हैं, दो निकालने हैं। और आपको ये चीज पता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उनका जो डेसिमल होता है वो क्या होता है, उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप बताओ, मैं ना अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी। मैंने ले, मान लो ले लिया 2.04004000404, ऐसे ये चलता जाता है। अब बताओ क्या ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। आप इसका डेसिमल देखो, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन देखो वो क्या है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आप कहोगे बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है, आप देखो क्या हो रहा है, 04004004004, तो ये रिपीटिंग तो नहीं है, ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये इरेशनल नंबर का है, और ये टू और थ्री के बीच में लाया कर रहा है। तो आपको पहला इरेशनल नंबर क्या मिल गया, ये मिल गया। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, लेट सपोज मैंने बना लिया 2.45445445, ये भी ऐसे चलता जाएगा। ये भी देखो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आप कहोगे बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नॉन रिपीटिंग है, आप कहोगे बिल्कुल नॉन रिपीटिंग है। देखो यहाँ क्या आ रहा है, 45, फिर 445, फिर 445, कोई सेम नंबर थोड़े रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का है। तो ये भी क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ और टू और थ्री के बीच में लाया कर रहा है। तो ये आपको एग्जाम्पल मिल गया। ऐसे आप कितने ही एग्जाम्पल बना सकते हो, आप पेपर में ना कितने ही एग्जाम्पल लिख सकते हो ऐसे बना कर। तो कुछ भी लिख लो, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल लिख दो और इनके वो बीच में लाइक करने चाहिए। तो हर बच्चे के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। आप पेपर में आंसर नहीं मिला पाओगे चीटिंग करते, भाई बताइए कर रही है सही आंसर आया नहीं है, ये आंसर है, वो आंसर है, सबके आंसर अलग हो सकते हैं। तो टू और थ्री के बीच में आपको बेटा इनफिनाइट इरेशनल नंबर बता सकती हूँ। आपसे दो पूछे थे, दो मैंने बता दिए, कुछ भी आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर बता देना अपने आप, एक इरेशनल नंबर मेरे को अपनी मर्जी से बता देना। लेट सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, मैंने कहा बेटा बताओ 1.45 और 1.5 के बीच में, 1.45 और 1.5 के बीच में आपको पता है ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो ये रैशनल नंबर हुए, ठीक है। इनके बीच में आपको क्या बताने हैं, दो इरेशनल नंबर बताने हैं, क्या बताने हैं, दो इरेशनल नंबर बताने हैं। तो क्या बता सकते हो, देखो यहाँ पे है 1.45, यहाँ है 1.5, क्या बताओगे, बताओ जल्दी, आप लिख सकते हो 1.45006006006006, ऐसे सो ऑन यही चलता जाएगा। अब देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिकरिंग है, बिल्कुल रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है। देखो 06006006006 कोई रिपीट नहीं कर रहा, एक एग्जांपल ये मिल गया। एक आप अपनी मर्जी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसे कितने ही एग्जांपल आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, मान लो आपने लिख लिया 1.45 के बाद 700007007000, सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। ये भी क्या हो गया,
ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का एग्जांपल है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, तो आपको दो मिल गए, ऐसे आप और दो बता सकते हो। तो ये क्या है आपके, इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, आप अपने आप इन्हें कर सकते हो। अच्छा, तो अब इसे जल्दी से लिख लो ताकि मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके लिए और ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हम एक एनसीईआरटी का अपनी 1.3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आपको 5/7 और 9/11 के बीच के आपको तीन इरेशनल नंबर बेसिकली बताने हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये क्या है, ये पॉजिटिव है दोनों, और दोनों क्या है, दोनों एक रेशनल नंबर है। अभी ये देखो, ये क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसे चेंज करना पड़ेगा डेसिमल फॉर्म में। मैंने इसको दोनों को डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये जो चीज है बेसिकली मैंने स्किप कर दी क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो 5/7 को मैं डेसिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ, 0.714285, इसके ऊपर इनके ऊपर पूरा बार है, और यहाँ पे क्या है 0.81, जहाँ पे 81 पर क्या है, बार। अब आपको इन दोनों के बीच के आपको क्या बताने हैं, तीन इरेशनल नंबर बताने हैं, कोई भी लिख लो अपनी मर्जी से, कोई भी बना लो। देखो यहाँ पे क्या है, 0.714285, इससे कोई बड़ा नंबर ले लो, मैं ले लिया 0.72, इससे बड़ा है आप क्या बना देती हूँ, मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इसे बनाती जाती हूँ। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 02002002, ऐसे सोन ये भी चलता जाएगा। आप कहोगे देखिए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये किसका एग्जांपल है, ये आपका बेसिकली ये आपका एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, जो किसके बीच में लाया करता है, इन दोनों के बीच में लाया करता है। आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, मैंने ले लिया 0.80800, ऐसे सोन चलता जा रहा है। ये भी देखो इन दोनों के बीच में ही लाया कर रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या हो गया, ये भी इरेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते, मैंने ले लिया 0.79090009000, ऐसे सोन ये भी चलता जा रहा है। ये भी देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी इरेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। आप ऐसे ही कितने ही एग्जांपल्स अपने आप ले सकते हैं, ठीक है। सो यही था आज के लेक्चर, हम इतना ही आज पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बाय।